प्रॉपर तरीके से एक और देख लें, इस पर लगाया और ये टच करना लगा, टांका लग गया। ठीक है, एक और देख लें, इसको ऊपर से लगाएंगे ऐसे, इस तरह उसमें प्रोफाइल। तो व्यूवर्स ये देखें, ठीक है, ये मैंने इस पर 3 रन डाली और ये पीस भी काफ़ी टाइट है। अच्छा व्यूवर, इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, स्पॉट वेल्डिंग लोगों का क्यों नाकामयाब होता है या अनकम्प्लीट क्यों होता है या सही काम क्यों नहीं होता, एक तो वो ये कॉपर जो है वो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, और दूसरा जो है वो ये टर्न जो है और ये टर्न जो है ये वाली, ये कई जो है ना टर्न वो डालते हैं एक या डाल देते हैं चार की वजह से इसका जो स्पॉट है ना वो बनता है बहुत हल्का जो स्पॉट करता है, ठीक है। और जो इसका बिल्कुल हिडन जो है ना, ये जिसको कह रहे हैं कि जो कि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, वो मैं भी आपको उसका कनेक्शन बताऊंगा जिसकी वजह से ये प्रॉपर काम करेगा। तो इसको हम पैक करने के लिए जो है हम एक बॉक्स में करेंगे, आम बॉक्स में लिए, ठीक है, ये बॉक्स देखिए, ये रफ सा बॉक्स है, इसको हम इसके अंदर हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सही होगा, और इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं, इसमें फ्यूज़ हो गया, ऑन ऑफ स्विच हो गया, लाइट हो गया, लाइट जो मैं 220 पे लगा दूंगा और ये वाला जो हो रहा है ये उसको कर देंगे बंद, या व्यू लगाऊंगा इसका कोई कनेक्शन नहीं करूँगा, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच इसका भी कोई कनेक्शन नहीं होगा, और ये जो लाइट है इसको हम लगाएंगे 220 के ऊपर, ओके, डायरेक्ट इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। अब मैं इसका बिल्कुल ईजी कनेक्शन करके दूँगा, कनेक्शन के अंदर इसका मेन काम है, ठीक है। इसके आगे फिर हम कनेक्टर लगाएंगे, वो लगाएंगे हम 100 एम्पीयर का, ये है 100 एम्पीयर का, ठीक है, ये कनेक्टर है, इसको हम एक को काट देंगे बीच में से और ये एक पीस इसमें ले लेंगे, लेना ये ऑन ऑफ स्विच है, ये यहाँ पे करके सिंपल लगा लें, ठीक है। ये 220 का बल्ब है, न्यून होता है, ठीक है, इसको हम इसका कनेक्शन कर देंगे मेन की जो उसकी प्राइमरी आ रही है ना, जो प्राइमरी इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर के अंदर जाएगी उसके साथ हम इसको कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल रफ सा है, मैं दिखाता हूँ आपको, ठहर, ये देखिए, ठीक है, इसका इसके अंदर हमें फ्यूज लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको खाली जगह बोर करने के लिए ये मैं इसको लगा रहा हूँ, ये बिल्कुल रफ है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने सस्ता काम करना है और ये ताकि ब्यूटीफुल नज़र आए आपका बॉक्स, स्पॉट वेल्डिंग बॉक्स जो आपका ब्यूटीफुल नज़र आए, इसलिए ये चीज़ें इसकी पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके हम लगाएंगे यहाँ पर स्क्रू, 1, 2, 3 और ये 4 स्क्रू लगा के इसको ढक्कन को करेंगे बंद, और हम यहाँ से लगाएंगे ये वाला ये कनेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम ये कनेक्शन करेंगे, इससे पहले ये कनेक्शन करके इसके कनेक्शन की आपने और से देखना कि किस तरीके से वो ये काम करेगा, ठीक है। अभी हम ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं, और ये देखिए 220 की जो वायर है एम वी पे हमने लगाई है, 1 और 2 तार इधर आप, और न्यून का बल्ब है वो ऊपर हमने जोड़ दिया, पता लगा कश्मीर का होता है, ये आउटपुट के बता रहे
दोनों साथ। अभी इसको हम बॉक्स करेंगे बंद और इसको करेंगे यहाँ लगाएंगे उसके आगे शू। फ्रेंड अब आपका ये स्पॉट वेल्डिंग तकरीबन जो है वो तैयार है। ये इसका ट्यूटी कि अब यहाँ पे आपने सबसे पहले ये ना गलती ही नहीं करनी, इसको डायरेक्ट नहीं लगाना। अब हम क्या करेंगे इसकी एक काम कट करके इसको हम यहाँ लगाएंगे बेल स्विच। ठीक है, बेल स्विच ये अब आपको मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर जो स्पॉट वेल्डिंग है बनाने वाले वो ये गलती करते हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे बेल स्विच। ठीक है, अभी टेम्परेरी में उसको ऐसे कर रहा हूँ, उसको एक बेल स्विच बना के आपको दिखाता हूँ उसके बाद। ठीक है, ये जो स्विच है ये यहाँ लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सबसे बड़ी हम गलती यहाँ पर करते हैं, इसको हम करेंगे इस तरह बैंड, इसको ज्वाइन कर देंगे और एक कर देंगे हम इसको ज्वाइन, इसको अच्छी तरह। इसको हम कर देंगे टेप अच्छी तरह। ये 8 mm का जो है ये कनेक्टर मैंने लिया। ठीक है फ्रेंड, और हम कोशिश करेंगे इसके अंदर ये प्रॉपर तरीके से केबल पूरी।
इसमें लगा, ये वाली इसमें लगा देंगे। फुल टाइट और स्कीम करेंगे टेस्टिंग। आपने जो है ये गेज नंबर, वैसे तो 16 इस्तेमाल करनी, मेरे पास ये 18 नंबर गेज है, ठीक है, तो बहरहाल इसके पर भी बड़ा बेहतरीन बन जाएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह आप साफ कर लें, दो पीस इतना काट के तो व्यूअर्स ये देखें, ये हमने प्रॉपर जो है ये 220 के अंदर लगा कर, 220 के अंदर लगा कर, और ये इसके अंदर से हमने यहाँ से इसको कट, एक तार को कट करके हमने ये बल्ब स्विच लगा दिया था और ये लगा, ठीक है। और ये हमने 16 गेज यानी 16 नंबर कॉपर वायर का जो पीस है वो लगाया, और ये अंदर से वही तार आ रहा है, ठीक है, ये अंदर वही ट्रांसफॉर्मर लगा, ओके हो गया। ये अब इसको हम वैसे टेस्ट कर लेंगे, ये देखें। अब मैं अपने जो मेरा असिस्टेंट है उसके थ्रू में ये जिस तरह तार है ये वाले ये पीस लगा, ये मैं आपको लगा के दिखा लेकर, प्रॉपर तरीके से एक और देख लें, इस पर लगाया और ये टच करना लगा, टांका लग गया, ठीक है। एक और देख लें, इसको ऊपर से लगाएंगे ऐसे, इस तरह आप प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल आपका जो पीस है वो तैयार है। जितना मर्जी लगे, इससे आप हज़ारों पीस लगाएं, इसको कुछ भी नहीं होगा। इसमें एक फॉल्ट ये आएगा कि आपका ये जो ये वाली पिन है ना, ये देखिए, हल्का टच करना और जल्दी करना है, जल्दी से मुराद ये कि फास्ट उसको लगाना है आपने, ये हल्का सा कर, इसको आप हज़ारों पीसेस में बना सकते। तो दोस्तों, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर मशीन मैंने बना के दिखाई है, ये वाली, ठीक है, जिस पे जो है ये 220 पे मैंने आपको बताया 220 पे चलेगी, और बेल स्विच आपने लाजमी लगाना है। इसमें जो ये वाली कॉपर वायर है ये आपको 100% 99.9% जो कॉपर होती है वो इस्तेमाल करनी है, और जो ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो आपने इस्तेमाल करना है माइक्रो ओवन का, और उसकी प्राइमरी जो वो ठीक होनी चाहिए, आउटपुट आपकी उसकी खाली कर देनी है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको तार बताई है, ये तार हम इस्तेमाल करेंगे प्योर कॉपर की, 16 नंबर गेज, 16 नंबर जो गेज है वो इस्तेमाल करेंगे प्योर कॉपर का, ठीक है। ये वैसे मैं 18 नंबर कर रहा हूँ इस्तेमाल, 18 का, ठीक है, लेकिन आपने 16 नंबर इस्तेमाल कर लिया। तो अगर इसको आप और छोटा कर देंगे और अच्छा करेगा, लंबा ज़्यादा नहीं करना है इसको, इसको बहुत लंबा नहीं लेके जाना, ठीक है। तो देखते रहे मेरी वीडियो, और ये एक काम की मशीन मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, जो आप इस तरह के सेल आपके पास हो तो फिर आपको